नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिक, विच इज एक्चुअली अ नाउन। नाउन हिंदी में बोले तो संज्ञा, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रिक? इट इज अ क्लेवर वे और पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। मतलब कोई चालाकी का यूज़ करना किसी भी काम को करवाने के लिए, किसी चालाकी का, किसी आर्ग्यूमेंट का, ऐसी चीज़ का यूज़ करना, मतलब क्लेवर वे, चालाकी वाला तरीका किसी काम को निकलवाने के लिए, ठीक है। अगर इस वर्ड का यूसेज देखा जाए तो ये सेंटेंसेस हैं जिनमें हम इस वर्ड का यूसेज देखेंगे। अगर फर्स्ट सेंटेंस देखा जाए, द ट्रिक टू मेकिंग अ गुड फ्लफी केक इज टू विस्क द बैटर वेल। मतलब अच्छा फ्लफी केक, फ्लफी मतलब ज़्यादा फूला हुआ, ज़्यादा सॉफ्ट वाला जो होता है केक, बनाने की ट्रिक क्या है कि हम जो आटा होता है, जब आटा होता है, जहाँ जो मिश्रण बनता है, ठीक है, जो मिश्रण बनता है उसे अच्छे से फेंटे, विस्क मतलब फेंटना। अगर वो जो उसका मिक्सचर बनता है सब कुछ मिलाने के बाद, अंडा, उसके बाद दूध या जो भी मिलाने के बाद आटा वगैरह जो भी मिक्सचर बनता है, उससे अगर हम अच्छे से फेंटेंगे, जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लफी केक बनेगा, उतना ही ज़्यादा फूला हुआ, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट वाला जो केक होता है, बैटर वाला, वो बनेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग। अब सेकेंड सेंटेंस की बात की जाए, इट वॉज़ अ ट्रिक टू परसुएड हर टू गिव हिम मनी, ठीक है। मतलब ये उस पे चली गई एक चाल थी, ठीक है, उसे मतलब अपनी चाल में किसी ने फंसाया था और उसे कन्विंस कर दिया था। परसुएड करना मतलब मनाना, ठीक है, कन्विंस करना कि वो उसे मनी दे दे, ठीक है, अपनी मर्जी से विलिंगली उसे मनी दे दे। ऐसी ट्रिक किसी ने उसके ऊपर क्या की, प्ले की, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में अगर ट्रिक का यूज़ देखा जाए, शी इंजॉयज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हर फ्रेंड्स, ठीक है, शी इंजॉयज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हर फ्रेंड्स। मतलब जैसा कि पिछले हमने उसमें देखा है सेंटेंस में, एज़ वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेंटेंस दैट इट वॉज़ अ ट्रिक टू परस्यूड हर टू गिव हिम मनी। मतलब कोई ट्रिक, ये जो है कोई लड़की है, ये अपने फ्रेंड्स पे ट्रिक्स वगैरह प्ले करना इसे पसंद है। ट्रिक्स किस टाइप की, जैसे उन्हें कन्विंस कर लेना कि वो उसे पैसे दे दें, ठीक है, अपनी खाने वाली चीज़ उसे दे दें, इस टाइप की जो ट्रिक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर प्ले करना उसे पसंद है, ठीक है। ये हो गया थर्ड सेंटेंस। अगर फोर्थ सेंटेंस की बात की जाए, फॉर हिज लास्ट ट्रिक द मैजिशियन मेड अ रैबिट डिसअपियर। अपने लास्ट एक्ट के लिए, जो उसे लास्ट एक्ट अपना डिस्प्ले करवाना था, उसे अपना लास्ट एक्ट जो प्रेजेंट करना था, उसमें उसने क्या किया, एक रैबिट को गायब कर दिया। डिसअपियर मतलब गायब कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस जिसमें हमने ट्रिक का यूज़ किया है। एंड लास्ट सेंटेंस इज शी वाजेंट गोइंग टू फॉल फॉर वॉट एवर ट्रिक दे प्लेड। मतलब कोई है वो किसी भी ट्रिक में फॉल नहीं करेगी, किसी भी उनके झांसे में नहीं आएगी, वॉट एवर जो ट्रिक वो उसके ऊपर प्ले करने की कोशिश करेंगे। शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग एंड दैट यू कैन से दैट दैट वाइज, इतनी उसके अंदर बुद्धि है, दैट इंटेलिजेंट दैट शी विल नॉट बी ट्रिकन, ओके। मतलब वो उनकी किसी भी ट्रिक में नहीं आएगी, शी विल नॉट फॉल इन द ट्रिक प्लेड बाय देम बिकॉज शी इज़ सो इंटेलिजेंट एज वेल एज सो वाइस, ओके। सो दैट्स ऑल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रिक एंड द यूसेज इन द फाइव सेंटेंसेस।